नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ड्रीम इलेवन फैंटेसी स्पोर्ट्स एनालिसिस पे। आज हम बात करेंगे उस मुकाबले के बारे में जो होने वाला है वैंकूवर नाइट्स और मॉन्ट्रियल टाइगर्स के बीच में। तो दोस्तों, ये टीम रहेगी मेरे आज की मैच के लिए, जिसमें मैंने वैंकूवर नाइट्स की तरफ से चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन लिए हैं। यहाँ पे क्रिस गेल जो है वो इसके साथ ओपनिंग करेंगे। वन डाउन पे वॉल्टन आएंगे, टू डाउन पे वेंडर डसन आएंगे। दोस्तों, चारों बैट्समैन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। मेरे हिसाब से इन चारों बैट्समैन को मिस करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लिया जो जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और इन चारों में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म करते हैं वो है वेंडर डसन। वेंडर डसन इसलिए मैंने उनको अपना वाइस कैप्टन भी रखा है। और ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने वैंकूवर नाइट्स की तरफ से फिलिक वायो को लिया है, जो कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं और पूरे बॉलिंग में भी चार ओवर फेंकते हैं और एक आध विकेट आपको निकाल के आराम से दे सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में मैंने सिर्फ बिन जाफर को लिया है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने एक विकेट लिया था। तो दोस्तों, मैंने टोटल छः प्लेयर्स लिए वैंकूवर नाइट्स की तरफ से, जिसमें चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर है और एक बॉलर है। और अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल टाइगर्स की तरफ से, तो वहाँ से मैंने पांच प्लेयर्स को लिया है दोस्तों। उसमें से सुनील नारायण जो है कोइटजर के साथ ओपनिंग करेंगे। सुनील नारायण बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और वो बैटिंग भी करते हैं, क्योंकि सुनील नारायण एक काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों। तो इसलिए मैंने उनको अपनी टीम का कैप्टन भी रखा है। और आपको सामने वाली आपके अपोनेंट की टीम में भी कैप्टन सुनील नारायण ही दिख सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे ऑलराउंडर है। और मेन बात यह है कि वो ओपनिंग करेंगे। अगर ओपनिंग में वो अच्छे रन लगा देते हैं और चार ओवर फेंक के एक दो विकेट निकाल देते हैं, तो कैप्टन की इससे बढ़िया चॉइस आपके लिए और कोई नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। उसके बाद वन डाउन या टू डाउन पे आएंगे ए डेविचिज, जो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने सिर्फ उनके दो बॉलर्स को सिलेक्ट किया है, उनमें से एक है फवाद अहमद और मोहम्मद नावीद। फवाद अहमद काफ़ी अच्छे बॉलर है दोस्तों, तो उनको मिस करना, उनको नहीं लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने फवाद अहमद को लिया है। और मोहम्मद नावीद ने पिछले मैच में दो विकेट निकाले थे। तो दोस्तों, इस मैच में मेरे कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है। बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स स्कोर करा देंगे। और वाइस कैप्टन मैंने रखा है वेंडर डसन को, जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हैं। आप चाहे तो वाइस कैप्टन क्रिस गेल को भी रख सकते हैं, लेकिन क्रिस गेल थोड़े रिस्की है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। या आप वॉल्टन या वीस को भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी दोस्तों। तो ये मेरी आज की टीम रहेगी। इसमें अगर कुछ बदलाव करना रहा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज की मेरी ये टीम रहेगी दोस्तों। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।